हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो अभी अभी सुबह सुबह हम पी रहे हैं चाय और सारी रात ना मतलब लेटना बहुत मुश्किल हो गया। पहली बात तो नींद ही नहीं आती अच्छे से और सारी रात मतलब कि ऐसे लेटा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ और उठ के मम्मी ने भी ये दिया। तो फिलहाल हमने की एक नई शॉपिंग, वो दिखाते हैं। तो ये रही हमारी शॉपिंग, चेयर परचेज करके लेके आए क्योंकि अटैच बाथरूम भी होता तब भी मैं नहीं जा सकता वहाँ पे क्योंकि मेरे को नहीं हिल पाना, क्योंकि लेग को बिल्कुल सीधा रखना है कुछ टाइम, उसके बाद मूव कर सकता हूँ। तो ये चेयर आप समझ गए होंगे कि इस काम आएगी, तो बस यहीं पे उसके बाद मम्मी उठा लेंगे। मैं तो नहीं कर सकता, सच में माँ का देना नहीं दे सकता बंदा, बचपन में भी किया हमारा है ना, तो आज हमारी हालत है मेरी इस वक्त, तो आज भी कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, पर मम्मी कह रहे क्यों रो रहा है, मैं बचपन में भी तो करती थी तेरा। कोई बात नहीं, कोई और कंचन कल रात चली गई थी, पंकज जी जो कंचन अंगीर, और फिर उसको ड्यूटी जाना था और आज आएगी वो कि मैं बीच में राउंड लगाऊंगी, बाकी सब यहीं पे है तो आ जाते हैं। जरूरत नहीं पड़े, मैं तंग ही नहीं करता, मैं सुबह सुबह फ्रेश होना होता है तब थोड़ी सी होती है। तो फिलहाल हल्का आज मम्मी पता की करना, आज ना मतलब कि मैं बिना नहाए रह नहीं सकता, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था दो दिन हो गया ना हेड वॉश, आज फिर जब दो कंचन आओगे ना फ्रेश होना उस फिर हाँ वाइप्स फेर देने, नहा तो सकता नहीं ना, और हेयर वॉश और फेस वॉश कर देना है ना, और अच्छे से कॉम कर देना मेरा, क्योंकि बाल मेरे को अच्छे सेट करने हैं, क्योंकि बाल मेरे सेट होने चाहिए हैं। चादर शाम में चुकी नहीं, हाँ बेडशीट शाम को चेंज कर देना, भीग जाएगी ना जब कंचन आएगी उसके बाद कर देना, फिर बेडशीट भी इजी नहीं होनी चेंज। तो चाय पीते हैं, नान हो रहा है शाही वाला, हंस रहे मम्मी कंचन के भी तो होते ना, मैं लगी तो उन पानी दे पाओ शैम्पू जबरदस्त तरीके से लगा दो, नहीं तो बस 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 मम्मी तो मुझे मनी ने ना बढ़िया पानी पिया है। फिलहाल बेडशीट वगैरह चेंज की है क्योंकि सफाई ज़्यादा होनी अच्छी है और पेशेंट वाले रूम में। और फिलहाल मम्मी ना इस पिल्लो के ना, इस पिल्लो की बात करो, इस बेडशीट के ऐसे पिल्लो कवर चाहिए, वो मिल नहीं रहे मम्मी, आई थिंक ना उसमें ना हो वो सोफा कम बेड पर। चाची जी भी आए हैं, अभी फिलहाल मैं नहा के फ्री हूँ और अभी कॉम वगैरह किया और नया वाला स्पेक्स भी लगाया कि मैंने कहा चलिए बैठना है, थोड़ी सी विजिबिलिटी स्टेबल हो, नए वाले स्पेक्स में थोड़ी बड़ी लग रही है नहीं से, और मेरा ना क्या कहते हैं अभी हेयर स्टाइल मैंने अच्छे से किया नहीं क्योंकि ऐसे होगा मेरे को। मम्मी पता क्या बोल रहे हैं, अभी बस मेरे को शावर दिलवाया ना, तो अभी हेयर वॉश किए तो टाइम लगता है, पानी बेड पे ऊपर गिरता है ना, बाल कटवा लो, बाल नहीं कटवाने ऐसे चलेंगे, पेशेंट लाइफ चल रही है मेरी, और साफ़ सुथरा होना जरूरी है, मेरे को साफ़ सुथरा रहना पसंद है और बिना नहाए मैं रह नहीं सकता, लेकिन अभी क्या है कि नहाया तो नहीं लेकिन साफ़ रह रहा हूँ, अच्छे से डटोल साबुन के साथ अपने आप पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे पेशेंट हो जितना आप साफ रहोगे ना उतनी जल्दी स्वस्थ भी होगे। तो फिलहाल अभी कंचन जा रहे तो है जा रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਕੰਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਕੰਚਨ ਆਈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਬਸ, ਇਹ ਗਲਬਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਰ, ਕੰਜਰ ਫੈਨ ਚਲਾ ਦਿਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ ਹਲਕਾ ਸਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨਵੀਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, इस बार सही था लेकिन पिछले दो दिन से घर में पानी नहीं चल रहा, वो जो हमारी मोटर थी मिल गए हाँ, और मोटर पानी नहीं चल रहा था टंकी में, लेकिन फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी जो मोटर लास्ट टाइम में परचेज की वो भी चल नहीं पाई इनसे,
और मास्टर जी आए थे नीचे, उन्होंने पानी कुछ चढ़ाया ऊपर मोटर के थ्रू, तो थोड़ा सा उन्हें पानी बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो ये सारी टेंशन मेरे को होती है, मैं अरेंज करता होता था, क्योंकि इन दिनों पर प्रॉब्लम आ जाती है। वो फिलहाल आपको अपने एक्स्ट्रा दिखाता हूँ क्योंकि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है और कहाँ पर टूटा है बताते हैं आपको। तो मेरी जो नी में फ्रैक्चर है ना, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है, और ये ऊपर की ये पता नहीं कौन सी है, बट हाँ ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो ये फ्रैक्चर हो रखा है। तो ये वाला मेरा फ्रैक्चर हो रखा है और बाकी सही है, और ये वाला थोड़ा सा स्वेल है, मांस फटा हुआ है इधर, तो ये काफ़ी है ना। ये मम्मी की कंचन की मैंने ड्यूटी बढ़ा दी है ना, है मम्मी? क्या बेडशीट वगैरह? नहीं मैं अपनी कहना, मैं पेशेंट बन गया है थोड़े लिए ना, दोबारा छोटा जहा बच्चा बन गया बस, और मंग मैंने साफ सुथरा करना पैदा पे ना। अभी भी मैंने कंचन बोला, कंचन मेरे ना हेयर को ना अच्छे से वॉश कर दो, साफ सुथरे रखे हुए ना, तो हेयर तो मैं अपने आप ही कर सकता, लेकिन मेरे दोनों हाथ अच्छे से नहीं चलाता मैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी चोट लगी हुई है गंभीर, मतलब कि सर्फ वगैरह और साबुन लगता है यहाँ पे, कट लगा हुआ मेजर कट, और अभी क्या मैं भी कहूँगा बात में। हाँ अपनी चादर वगैरह भी ना मेरी चेंज कर दी है ना, हाँ वाली वाइट वाली चेंज कर, और कल जाना है, कल चल कल जाना डॉक्टर को चेक करवाना, पूछ ले कितने बजे आई है ना, पंकज आऊगा थोड़ा कंचन तू शूट करवा करो बाहर, तुम करा करो ना, मेरा सपोर्ट किया करो थोड़ा सा, इसमें तुम्हें भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर मैं नहीं बच पाता ना फिर आगे मेरी मम्मी को तो कंटिन्यू अच्छा। तुमने करना था इसके थ्रू, और चले चल ठीक है ना, ओके बाय, दोबारा से करवाएंगे एक्स्रा, फिर देखेंगे उसमें कि अपना क्या कहते हैं कि कितना थोड़ा सा रिकवर हुआ है, क्योंकि जब कल परसों सैटरडे की बात जब प्लास्टर किया था, तो यहाँ पे जो मेन डॉक्टर है तो वो नहीं थे, उनसे जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने किया था, तो ट्यूसडे को बुलाया हमें, और वो देखेंगे दोबारा से एक्स्ट्रा करवाएंगे कि अगर कुछ अगर मेज़र होगा तो उस हिसाब से, तो वैसे तो बताया था कि हो जाएगा इसी में, कुछ ज़्यादा नहीं है, नहीं तो क्या था कि वो प्लेट्स वगैरह डलती है वो नहीं डलेगी, कि हो जाएगा, तो अगर वैसे हो जाए तो बहुत बढ़िया, जल्दी हम सही हो जाएंगे, नहीं तो उसको तो सही होने में 6 महीने लग जाते हैं, और फिर भी उसके बाद भी बंदा अच्छे से दूर चल नहीं सकता, मुझे तो जल्दी जल्दी दौड़ना है चलना है, मैं सॉलिड हूँ मजबूत हूँ, मैं तो मतलब कि टूट भी गया था खड़ा हो रहा था, मैं तो अपनी ब्लॉगिंग चालू रखी, तो चालू इसलिए रखी कि अपना कुछ इमोशंस होते हैं, मेरा काम भी था, और मेरे को यह था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए उस वक्त तो मेरा कम से कम वो कोर्ट रह जाए, और मैं वो जो इमीडिएटली भी नहीं किया था लेकिन कुछ टाइम बाद किया था, पहले तो बस बंदा सोच रहा ये हो गया क्या मेरे साथ इमीडिएटली, और दूसरा मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आप और बहुत से ब्लॉगर्स हैं, कुछ मैंने लेसन भी लिया कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में कैमरा उठाना नहीं है लाइफ में, ठीक है अगर सेफ है, लेकिन मेरे लिए वो सेफ था एक्चुअली, मेरी जब गाड़ी लगी थी थोड़ी सी तो मैं थोड़ा सा कैमरा लगी, क्योंकि मेरी गाड़ी धीरे धीरे निकल रही, पीछे से आने की होप ही नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसने पता नहीं बस निकलनी थी, वो बस को निकलते देखो वो पता ही ऐसे सांप बना के ले आया, वो एकदम से हिट किया उसने मेरे को जल्दबाजी, मेरी गाड़ी जो पिछली थी ना वो सारी उसने तोड़ दी है, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो एजेंसी वगैरह में, मेरे को ये था कि फैंसी नंबर लेना है मेरे को 00 लेना था आगे, लेकिन अब जल्दबाजी में कर रहा हूँ सब कुछ कि जल्दी जल्दी RC बन जाए नंबर लग जाए, नहीं तो क्या होता है कि क्लेम लेने में भी दिक्कत होती है, तो काफ़ी मतलब कि नुकसान हो गया पीछे, वैसे ठीक है लेकिन क्या होता है बॉडी कैसी होती है गाड़ी की है ना, तो वो हो गया, चलो गाड़ी का क्या वो तो रिकवर हो जाती है, कितने दिन लगेंगे जितने दिन हम बैठ पे वो हो जाएगी, लेकिन जो ये वाली इंजरी है मेरे को ये भी होनी चाहिए जल्दी से ही है ना, लेकिन आजकल इंसान है हो गया उसको अपनी लाइफ से ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा परवाह है ना, क्योंकि अपने ऊपर कम ध्यान देता है,
वो भी साथ में चलती है, ये भी साथ में चलती है। बंदे को अपना तो पता है कि वजह, लेकिन उसको चीज़ों की ज़्यादा परवाह होती है। और ऐसा भी नहीं है, चलिए फिर भी एक बहुत मुश्किल से इंसान लेता है ना एक, उसका जो अपनापन होता है, अटैचमेंट जुड़ी होती है, बिल्कुल अभी महीना भी नहीं हुआ, तो 2-3 को आई थिंक मैंने ली थी, तो जल्दी हो गई, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी जल्दी जल्दी। वो मेरी बैटरी जो कैमरा की वो ख़त्म हो रही है, और फिलहाल जो मम्मी हैं वो ज़्यादा शेड्यूल बिजी कर दे। और एक बात और, आप बोल रहे थे कि मेल हेल्पर को रख लेना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे गाँव में मेड नहीं मिलती, मेल हेल्पर कहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अभी भी मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी कोई मिलता है तो देख लो, बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। मम्मी बोल रही है कि बेटा क्या हो गया, जब तू छोटा था तो नहीं मैं करती थी, अब भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सही है, कंचन गई काफ़ी, मतलब कि करवा के गई, तो 2-3 लोग लगते हैं मेरे को। सुबह भी मम्मी ने मतलब कि काफ़ी वो किया, ब्रश वगैरह सब कुछ यहीं पर बैठ कर करता हूँ। बस यही चाहता हूँ जल्दी जल्दी सही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है मैं ना बोलूँ, चाहे पानी पीना हो, चाहे उसमें, नहीं तो बार बार तंग करना पड़ता, मम्मी ये कर दो वो कर दो, तो घर का काम भी संभालना, ऊपर से मेरे को भी संभालना मुश्किल लगता है। लेकिन मम्मी हमारे बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत करते हैं, और पेंशन भी स्पेशल बहुत सपोर्ट करती है, स्पेशल टाइम निकाल के आए कि नहीं उसको हंसने लाना है। बस सही है, बस कुछ इस तरह से कट रही है मेरी पेशेंट लाइफ, और बाकी सब बढ़िया है। और आपकी दुआएं साथ में, बहुत अच्छी अच्छी विशेज दे रहे हो, तो इसी हौसला से हम, मतलब जो आप विशेज दे रहे हो, हौसला मिलता है हमें, पंजाबी जी कहते हैं हौसला मिलता है, तो असं बुलंद हो जाते हैं। और कहता नहीं अपनी यहाँ वधिया वधिया विशेज करो, और जल्दी सही हो जाना है ना। रात के 9:10 हो गए, और अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, तो आज खाने में बनाया हुआ वो आम पन्ना, मतलब कि आम पन्ना बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं मानी और भांजी, आपको बताते हैं कैसा है। वो साथ में है घिया की सब्जी और चपाती, और ये रहा हमारा मानी और भांजी बोलते हैं। और इस मानी को देख के ना एक बंदे के मुँह में पानी आ गया होगा, वो है अमन जो अभी कैनेडा में है, उसको ये जो भांजी है ना इतना पसंद है ना कि पूछो मत, बहुत खाता है वो। तो अभी वो मेरा व्लॉग जब देखेगा ना, उसके मुंह में पक्का पानी आएगा, मेरे को वो भी वीडियो कॉल भी करेगा, अभी तू तो पानी ले आता मुझ, क्योंकि उत्थे तो मिलना नहीं हैगा। तो दूसरी गल की है कि कौन खाना खाने हैं, तो बाकी वधिया मैनू, अज मैं और मम्मी घर के विच कले हैं, और मैं वो बुरा भी लग रहा कि मेरी जो हालत आ वाली हो गई हुई, कि मम्मी एक मैनू भी देख रहे हैं, नो डाउट टेंशन भी आए थे, उसने अपना कहा भी पंकज जीजू भी आए थे दोबारा, और रणवीर भी आए, वो मिल के मेरे को चले गए, तो कल आएंगे, कल मेरे को दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कल पता चलेगा कि कितने डेज़ मेरे को और ये अभी प्लास्टर रखना है, और कितना रखेगा। मेरे को तो 15-20 दिन बोले हैं, लेकिन कल फाइनल जो सीनियर डॉक्टर को बताएंगे कि कैसे। और एक्स्ट्रा में तो मैंने आपको बता ही दिया। और आज मम्मी, मम्मी ना बहुत कम है, बुरा इसलिए लग रहा है, मेरे को भी देख रहे हैं, जितने मतलब कि हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हो उनको भी अटेंड कर रहे हैं, और खाना भी बना रहे हैं, ऊपर से पानी की दुविधा, ऊपर से क्या कहते हैं घर को भी देखना है ना, खाना बनाना, बहुत गर्मी भी हो रही है। हैट्स ऑफ है मम्मी को, जितना काम मम्मी आपने किया ना पूछो मत, मेरे को टेंशन हो गई कि आप तो मतलब ऐसे काम कर रहे हो ना कि आप 50 कितनी है आपकी, मैं ठीक है ना, हाँ बहुत से लोग बोलेंगे पहले तो बीमार ठीक है, ऐसे ही है तंदुरुस्ती दबे है ना। मम्मी बहुत एक्टिव, बहुत वधिया काम करते हैं है ना, लेकिन मम्मी की तबीयत भी खराब हो जाती है ना, तो बाकी लाइफ सपोर्ट बंदे का कुछ पता नहीं चलता, कदों बीमार हो जाता कदों सही हो जाता है, बाकी सब वधिया। मम्मी मैं बोलिया मम्मी जूस पी लो, मम्मी कहते मैं जूस नहीं पीना, जब मेरा शुगर बढ़ गया फिर मैनू किन देखना है, इस वे मैं तेनों देखना है, एक दूजे को देख। हाँ मम्मी तो जूस ही पीना बंद करता कि मैं मिठी चीज़ खानी नहीं, कोई जो मेरी शुगर बढ़ गई मैंने कि नहीं देखना नहीं, तो मम्मी खा लेंगे सके कि जो मैं सही सेगा कि कोई गल नहीं, जो मैं बीमार हो गई तो मैं देख लूँगा, मैनू मतलब पंजाबी तुम समझ पा रहे होने कि नहीं पा रहे होने, एक बार दोबारा हिंदी रिपीट कर दें, मम्मी ने जूस नहीं पी रहे, वो इसलिए नहीं पी रहे कहीं मेरा शुगर ना बढ़ जाए शुगर लेवल, और अगर मैं बीमार हो गई तो मैनू को कौन देखेगा, मतलब कि मेरे को फिट रहना है, वो सही है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, हाँ तो टाइम टू टाइम आएगी, उसने अपना उधर भी घर देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है ना, चलो जॉब से तो वो कर लेती है, थोड़ा सा स्किप आ जाता है, अपने सुख करते उन्होंने कर तो दिया सी, हाँ तो बस ठीक है, अच्छा है। और बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं है ना, और हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, और हाल चाल पूछे जो मतलब कि
सभी सभी है, सभी के कोर्स हैं, जितने भी हमारे गेस्ट मेरे और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल से हैं या मेरे नॉन मेरे ऑफिस से, ऑफिस से आज राज मैनेजर का भी फोन आया था, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, उनके वाइफ कुछ आपका एक्सीडेंट हो गया, नहीं उनको वाइफ ने देखा होगा ना, वो डिफेंस में जॉब करते थे, इधर आए ना अभी शिफ्ट ट्रांसफर हुई है उनकी, राजस्थान के है। अच्छा, तो मेरे ब्लॉग्स देखते तो उन्होंने मेरे को स्पेशली अपने ऑफिशियल नंबर से फ़ोन किया, अच्छा लगा। बाकी सब सही है, अभी खाना खाते हैं और बहुत अभी कष्ट है और बाकी सब सही है, कष्ट भी है सही भी है, मतलब कि कह रहे हैं कि जितना मर्जी दुख हो अगर आप दुख को दुख समझोगे ना फिर आप वीक पड़ जाओगे, कुछ भी ना समझो, तो इसलिए मैंने दुख को होते हुए व्लॉगिंग भी की और अभी भी नहीं मान रहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाऊँ, अगर ये कॉन्फिडेंस रखूँ ना मैं जल्दी जल्दी, तो डॉक्टर बोलते रहे कि दो हफ्ते रुक, एक हफ्ता रुक, महीना रुक, मैं तो जल्दी खड़ा हो जाऊँगा, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो जल्दी आपका जो क्या होता है घाव वो बढ़ जाता है, पहले तो यहाँ से निकालना पड़ता है घाव, क्योंकि हम कोई भी चीज़ होते हैं अपने दिल में सोचते हैं दिमाग में सोचते हैं नहीं है इसके लिए, थोड़ा सा इन चीज़ को बाहर निकाल के आप खड़े होने की कोशिश करोगे तो आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी खाना खाते हैं, मम्मी खा रहे हैं और नहीं नहीं है, है कोई बात नहीं, बस है तो नहीं मैं, हाँ मम्मी को ना बहुत टेंशन हो रही है बस कि ऐसे वैसे, और मेरी भी केयर स्पेशल साथ के साथ चल रही है, और अभी खाना खाते हैं ना, बहुत होगी आपसे बातें।